आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो सरकार ने रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को इंटरनेशनल कॉल को ब्लॉक करने के दिए हैं निर्देश। भारत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल दूरसंचार ऑपरेटरों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को जो है निर्देश दिया है कि वे भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाले सभी आने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल जो है उनको ब्लॉक करें। वही दूरसंचार विभाग ने अपनी एक एडवाइजरी में ये बात यहाँ पर कही है। वही DOT ने एक यहाँ पर एडवाइजरी में कहा है कि ऐसी सूचनाएं मिली है कि जो जालसाज होते हैं वो भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल नंबर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल कर रहे हैं और साइबर अपराध और फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो लोगों के साथ कर रहे हैं। वही DOT के अनुसार ऐसी कॉल भारत के अंदर से आती है लेकिन कॉलिंग लाइन की पहचान जो है वो उसमें यहाँ पर हेर फेर करके विदेशों से साइबर अपराधी यहाँ पर करते हैं। हालांकि जो है फर्जी डिजिटल गिरफ्तारियाँ और इसके अलावा ड्रग्स और कुरियर में नशीले पदार्थों के मामले में इंटरनेशनल कॉल के जरिए दुरुपयोग जो है वो किया गया। तब सरकारी और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के रूप में आम लोगों को जो है ठगा गया है। ऐसे में इंटरनेशनल नंबरों को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर। देखिए व्हाट्सएप स्टेटस में हुआ है बड़ा बदलाव। अब वॉइस नोट पोस्ट करने में आएगा अब डबल मजा। पिछले कुछ दिनों में जो है व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट में बदलाव को लेकर जो है कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि कंपनी जो है जल्दी इंटरफेस को पूरी तरह से जो है बदल देगी। इससे पहले जो है कंपनी को जो है स्टेटस पर अपने कॉन्टेंट को यहाँ पर मेंशन करने वाला फीचर जो है वो टेस्टिंग करते सपोर्ट किया गया था। वही अब कहा जा रहा है कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जो है एक नया अपडेट लेकर आया है जिसके तहत यूजर्स जो है स्टेटस जो है उसके ऊपर अपडेट पर लंबे वॉइस नोट्स को पोस्ट कर पाएंगे यानी MP3 में जो है वो नोट्स जो है वो पोस्ट कर पाएंगे। वही जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसमें ये बात आई है व्हाट्सएप के नए जो यहाँ पर जो नया फीचर जो आया है वो यूजर्स को एंड्रॉयड iOS दोनों में यहाँ पर मिलेगा। मेटा इस ऐप पर जो है अब 1 मिनट तक के वॉइस नोट्स यहाँ पर शेयर करने का ऑप्शन आपको देगा। तो व्हाट्सएप पे आप 1 मिनट तक का जो वॉइस ऑडियो वगैरह जो है वो शेयर कर पाएंगे। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए EPFO से नए साल में जुड़े हैं लगभग 1,40,00,000 से ऊपर लोग। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल में जो है वित्तीय वर्ष 2024 में जो है EPFO से जोड़े जाने वाले सदस्यों के आंकड़े जो है वो जारी कर दिए। वहीं आंकड़ों के अनुसार जो है मार्च 2024 के महीनों में जो है EPFO में जो है कुल 1,44,00,000 नए सदस्य जो है वो जोड़े गए हैं। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2024 में 1,44,00,000 लोगों को EPFO में जो EPFO के पोर्टल जो है इसमें जोड़ा गया था। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष जो है वित्त वर्ष 2023 में ये संख्या जो है 1,38,00,000 के आसपास थी जो इस वित्तीय वर्ष की तुलना में थोड़ी यहाँ पर कम है। वही कोरोना महामारी के बाद पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में EPFO में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि जो है वो देखी जा रही है। वही वित्त वर्ष 2024 के अंदर जो है पेरोल में जोड़े गए लोगों की संख्या वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 58% और वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 13% अधिक है। ऐसे में रिपोर्ट में हम इस विस्तार से इस रिपोर्ट को समझ सकते हैं कि EPFO क्या है और यह जो है 7,47,000 नए सदस्यों को जोड़ने पर किस तरह की नौकरी से संबंधित है। तो बता दें आपको कि इसमें अलग अलग तरह की नौकरियाँ जो है इसमें मासिक आधार पर नजर आ रहे तो वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण और कंप्यूटर श्रमिक और चार्टेड और इसके अलावा पंजीकृत लेखाकार मछली प्रसंस्करण मांसाहारी और कई तरह की जो यहाँ पर अलग अलग है इसमें ये नौकरियाँ जो दी जाती है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो UPI का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। UPI से एक दिन में आप कर सकते हैं केवल 1,000,000 रुपये का ट्रांजेक्शन। डिजिटल युग में हर यहाँ पर दूसरा इंटरनेट यूजर जो है UPI के जरिए पेमेंट कर रहा है। भाई फोन में UPI ऐप के साथ पैसे ट्रांसफर करने का ये काम जो है अब यहाँ पर सेकंडों में हो जाता है। वही आप भी जो है सुई से लेकर हाथी तक की चीज़ों के लिए जो है UPI पेमेंट करते होंगे तो आपको पता होगा कि UPI में एक दिन में कितना पेमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। अगर आपको पता नहीं तो हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है NPCI वो UPI के लिए ट्रांजेक्शन की एक लिमिट सेट करता है। इस लिमिट को ध्यान में रखते हुए UPI के जरिए पेमेंट किया जा सकता है। दरअसल NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक नॉर्मल UPI के लिए ट्रांजेक्शन की लिमिट जो है 1,00,000 रुपये है। वो ये लिमिट पर ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर है और कैपिटल मार्केट कलेक्शन और इंश्योरेंस में UPI ट्रांजेक्शन के साथ लिमिट बढ़ाकर 2,00,000 रुपये हो जाती है। वही IPO और रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए UPI ट्रांजेक्शन की सीमा जो है वो 5,00,000 रुपये रखी गई है।
वहीं पेमेंट वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 2023 से भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है कुछ बिल के लिए जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों में की जाने वाली यूपीआई पेमेंट की लिमिट को जो है वो 5 लाख कर दी है। बता दें आपको कि 2023 से पहले जो है शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के लिए यूपीआई की लिमिट जो है यूपीआई पेमेंट करने की लिमिट जो है वो 1 लाख यहाँ पर पहले ये यहाँ पर 1 लाख रुपए थी, जो अब इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो सरकार की ओर से ये अच्छा फैसला लिया गया है। वही पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात करें तो P2P यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए 1 लाख रुपए की लिमिट या फिर 20 ट्रांजेक्शन की लिमिट सेट यहाँ पर ये करता है। वह लिमिट 24 घंटों के लिए तय यहाँ पर की गई है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तभी जो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। रोजाना जो है खबरें प्राप्त करने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तुरंत दबा दें, ताकि रोजाना ऐसी ही खबरें आपको मिलती रहें।